Some sort of a fatwa. गरीब सिंगर जो है उसके सक्सेस के इतने चांसेस नहीं है जितने अमीर सिंगर के ज्यादा चांसेस हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टार बने हुए हैं लेकिन वो गा नहीं सकते इस तरह मैं एक्सपैट्रिय को खास तौर पे कहता हूँ आप एक सांप को पाल रहे हैं ऊपर इसमेंट होने, इस होने देख असल नाज़ी मूँ मनसूर अली खान अपने पॉडकास्ट चैनल पे आपको खुश आमदीद कहूँगा नाजिन हमारे पास मेहमानों का सिलसिला जारी है और दीगर मेहमान तो इस शो के अंदर आते ही रहेंगे लेकिन आज जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है वो शख्सियत सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप नहीं जानते आप तो जानते ही जानते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा के वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो मेरे आइडियल रहे हैं वो इसलिए आइडियल रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी जवानी से लेकर आज तक उनके गाने भी इंजॉय किए हैं और अब मैं उनकी सियासत को भी इन्जॉय कर रहा हूँ क्योंकि <laughs> वो सियासत के अंदर भी जो है ना उसी तरह सुपर हिट्स देते हैं जब वो सियासत के ऊपर गुफ्तु करते हैं तो आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं जवाद साहब जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वालेकुम आप खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज अपना वक्त निकाला कीमती वक्त निकाला हमारे लिए इट्स एन ऑनर टू हैव यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सेम हियर सेम हमने आ, मैं ये कहना चाहूंगा अच्छा वैसे मैं एक बात हूँ मुझे आमतौर पे कभी कोई मिलता है ना मेहमानों तो वैसे कहीं पे कहीं जाए कोई यंगस्टर मिल जाता है तो वो अगर जो आगे से कहता है आपको पता है मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ आपके अपनी जवानी बचपन तो नहीं कहूँगा लेकिन जवानी में मैंने आपके बहुत गाने सुने मुझे पता है आप माइंड तो नहीं करते इस नहीं बिल्कुल नहीं करता मैं मी एट ऑल बल्कि मुझे अच्छा लगता है आप देखिए ना अगर मैंने पॉलिटिक्स करनी है और अगर कोई इंसान बहुत शुरू से मुझे जानते हैं मेरे साथ उन्होंने सफ़र किया है आ, मेरे करियर को देखा है तो फ़ायदा है कि वो अगर मुझे अभी मेरे साथ चल रहे हैं हाँ, हाँ। हाँ। खान साहब इसका इसका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं देखिए ना क्लेरिंग <laughs> ग्लेयरिंग एग्जाम्पल जो मैंने कहा उसको इंडोर्स करती है ये कि इमरान खान जो हैं वो मैं जब से इनको देख रहा हूँ मैं छोटा था बहुत तो वो बहुत बहुत बड़े स्टार थे तो मेरा ख्याल है ये उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी फैक्टर है कि अभी भी हम इतनी एज के हो गए हैं लेकिन अब हम निगेट नहीं कर सकते वो पूरा जवाब भाई मैंने आपके साथ सियासत तो मैंने डिस्कस करनी है लेकिन मैं जरा थोड़ा सा पहले आपकी सिंगिंग वाली साइड के ऊपर मैं बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट एरिया बड़े ज़बरदस्त सुपर हिट्स बड़े बड़ा ज़बरदस्त काम वाई डिड यू स्टॉप सिंगिंग वो वाली बात अब क्यों नहीं होती क्या वजह अच्छा आई डिड नॉट स्टॉप सिंगिंग अच्छा एक्चुअली पीपल फोर्स मी टू स्टॉप इट फॉर फॉर समाइम या वो कहते हैं ना कि आपकी जो फ्रीकुनसी है वो थोड़ी सी लो हो जाती है काम करने की जब मैंने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया है तो वो ज़्यादा मुझे उसने हिट किया यू मतलब आपको नहीं 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 पॉलिटिक्स स्टार्ट करने के बाद मेरा म्यूजिक रिसीड करना शुरू हो गया वो इसलिए क्योंकि देखें अपर मिडल क्लास मिडल क्लास इवन लोअर मिडल क्लास ज्यादातर कॉन्सर्ट गंग लोग ये होते हैं अच्छा उसके बाद जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी तकरीबन यही लोग होते हैं कॉपोरेट्स में भी ऐसे ही लोग होते हैं हमारे इधर आगे फिर वो जो आर्मी है फिर एन जी ओज हैं हमारा जो ज्यादा या टिकट कॉन्सर्ट हैं वो ज्यादातर जो बेस करता है ना जिन जिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे वो एफेंट होती है या सेमी एफेंट होती है, ठेक ठेक है। वो सारे के सारे याद मुझे नून के फैंस हैं या पी टी आई के फैंस हैं या पीपल्स पार्टी के फैंस हैं बिल्कुल ठीक अब जब मैंने अपना पॉलिटिक्स स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा यार ये बंदा अच्छा भला में तो ये तीनों को ये कहता रहता है और ये हो तो मुझे उन्होंने ऐसे ऐसे ना कट डाउन करना शुरू कर दिया मेरी कट ऑफ करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ योर पोलिटिकल अच्छा और ऊपर से मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा वो अगर नहीं बुरा मुझे समझते तो वो ये नहीं चाहते कि लोग जो उनके साथ इन्वॉल्व हैं कोई लीड के अंदर या जो भी उनके मालिकान हैं वो यार वो इस बंदे को आपने बुला लिया ये तो अभी कल पी डी आई इसको ये कह रहा था हाँ। तो ऐसे ऐसा बिल्कुल मेरा ना मुझे बड़ा नुकसान हुआ है अच्छा। म, मुझे बहुत नुकसान हुआ है मेरे पैसे आने बंद हो गए हैं मेरी जो एक रीच थी म्यूजिक के थ्रू लोगों के अंदर वो बहुत इफेक्टिव हुई है तो पॉलिटिक्स में आने से मुझे पता था ये होगा और वो हो रहा है यू रिग्रेट दैट नो आई अच्छा क्योंकि मेरी ज़िंदगी कितनी रह गई है मंसूर देखें आप माशा आप मेरे से यंग हैं काफ़ी लेकिन अगर देखा जाए तो हम अपना डेथ सेंटेंस लिखवा के आते हैं जब पैदा होते हैं जारी बात तो कहीं ना कहीं तो अनमरना ही हर एक ने तो पंद्रह साल सोलह साल और रह गए होंगे या चले ज़्यादा बहुत अच्छा फिट रहा तो बीस पच्चीस साल तो मेरा ख्याल है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये मैं इसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ और मेरा ख्याल है मैं कर सकता हूँ और इसी टाइम पर कर सकता हूँ अगर मैंने दस साल बाद किया तो आपके बच्चे तो उनको पता ही नहीं होगा कि मैं हूँ कौन तो अभी तो फिर भी काफी काफी पॉपुलेशन पाकिस्तान की करोड़ों लोग मुझे जानते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक है अगर आ, भी होता इंटरेस्टिंग आपका मुझे जब आपके गाने आए थे तो आप मा, चाहे माने या ना माने लेकिन उस वक्त एक ऑटोमेटिकल राइवलरी जो थी वो आपकी इब्रार हक के साथ कंसिडर की जाती थी और आप दोनों ही पंजाबी के गाने बड़े सुपर हिट देते थे लेकिन राइवलरी होती थी और मुझे आज भी याद है शादियों में मेहंदियों में फंक्शन पे या पहले उनका लगता था गाना फिर आपका लगता था या पहले आपका लगता था फिर उनका लगता था एंड ये सीरीज एक चलती थी क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप दोनों फिर उसके बाद पॉलिटिकल फील्ड में भी आ गए और वहां पे भी राइवल्स हैं एक दूसरे के अच्छा थॉट प्रोसेस के व्हाई इज दैट अच्छा पहली बात तो ये है कि तीन लोग हैं हम जिन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क फिलंथ्रपी और मैं कहूँगा ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी वैसे ह्यूमन राइट्स पे बरार ने इतना नहीं किया लेकिन शदाद ने किया तो मैं शदाद रहा रबरा उलक हमने इस पर बहुत काम किया बिल्कुल किया अच्छा हमने स्टार्ट उस पर किया जब कोई और शोब नहीं कर रहा था लेकिन इमरान ख़ान हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल थे

उस उसके साथ साथ ये था कि मेरे अपने जो वालिद साहब थे वो ट्रेड यूनियनिस्ट थे मतलब चूँकि वो प्रोफेसर थे तो जब वो लेक्चरर थे उस जमाने में भी वो लेक्चर एसोसिएशन के पंजाब के प्रेजिडेंट थे अच्छा तो इन लोगों ने सड़कों में निकले मारे खाई हुई हैं कि जी हमारी मा, मांगे पूरी करो और सरकारी मुलाजमीन की ढॉक ये, ये वो वो जो बड़े मसाइल होते हैं उस पर ये मेरे वाल साहब करते रहे सारी उम्र तो हमारे अंदर एक्टिविज्म था अच्छा हुआ ये है कि मेरा और अबरार का जो असल में कॉन्फ्लिक्ट था वो जो वो पता नहीं मानेगा नहीं मानेगा वो फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल था अच्छा, उस वक्त भी अच्छा मैं था एक ये सिंगिंग टाइम्स की बात कर रहे हैं हाँ जी अच्छा, मैं लिबरेटेड आदमी था हाँ। मैं थोड़ा सा चीज़ों को प्रोग्रेसिवली देखता था ये एक मलगुबा बनाता था वो होता ना रिलीजन कल्चर ये वो मिल मिला के तो वो एक एक ऐसा ऐसी बातें करता था जिससे डॉगमेटिक फीलिंग आती थी तो हमारी बहस होया करती थी शुरू में तो ये 95 में आया था मैं 2000 में आया हूँ पहले जूबडस करता रहा ना जे, जे। तो उससे मैं बड़ा कोई नाम नहीं बना तो ये मेरे से पाँच साल पहले से नाम बना चुका हुआ था बिल्लो दे घर के साथ नाइनटी फाइव में जे। मैंने अपना एल्बम निकाला टू थाउजेंड में इन द सोलो field. सोलो करियर सिंगिंग ठीक हाँ, नहीं ये भी और क्योंकि मैं जूबडोज में बहुत बड़ा नाम ही नहीं था ना हम तो एक प्लेस करते थे छोटे छोटे शोज और ये वो एल्बम भी नहीं बनाते थे तो तो इसलिए जब मैं आया हूँ तो मुझे लगता है कि उसके बाद फिर हमारे थोड़ा बहुत मामला हुआ लेकिन शहजाद से मेरा कभी नहीं हुआ आतिफ के साथ नहीं हुआ अली जफर के साथ नहीं हुआ राहत वदरी खान के साथ नहीं हुआ शेफ गतमली के साथ नहीं हुआ सिर्फ मैं उसकी वजह बता रहा हूँ ना वो बातें ऐसी करता था जो लोग देखें मंजूर मैं ही नहीं कहता वो मुनाफे है मैं ही नहीं कहता मैं इमरान खान को बल्कि साफ साफ कहता हूँ इसको मैं इसलिए नहीं कहता कि ये उस पोजीशन में नहीं है कि ये अपनी मुनाफत को मुआरे पर इम्पोज कर सके लेकिन मुझे जो लोग रिलिजन को और कल्चर को यूज़ करते हैं इस तरीके से कि वो लोगों को रिग्रेसिव फ़िलासफ़ी की तरफ लेके जाते हैं मुझे प्रोग्रेसिव की तरफ ले जाने से और उस उस पूरे प्रोसेस में वो पैसा बनाते हैं तो आई डोंट लाइक दैट मुझे लगता है कि आपको पैसा बनाए ना बनाए वो आपसे बने ना बने आपकी एक सोसाइटी के अंदर आप पढ़े लिखे लोग हैं आपको हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि आप जो भी करें उससे सोसाइटी को फ़ायदा हो और इतने गरीब लोग हैं यहाँ इतने कंजर्वेटिव लोग हैं इतने बेचारे उनको पता ही नहीं है किसी चीज़ का आपका आपको चाहिए आप उनको सोशली अपलिफ्ट करें कल्चरली आप लिफ्ट करें आप उनको उल्टा जो है वो सुनने ने, की फर्क है तो आइडियोलॉजी का वो क्या मैसेज जा रहा है वो कहते हैं गुड टाइम अच्छा मिनट का गा सुनना है आप ठीक कह रहे हैं किस तरह डिफरेंस आया आप ठीक कह रहे हैं लेकिन उसमें भी मैं बात बताता हूँ वो अब अच्छा है बुरा है ये आप डिसाइड करें मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं हालांकि प्रोग्रेसिव था मैं लिबरेटेड समझता हूँ अपने आप को मैं फॉरवर्ड लुकिंग आदमी हूँ सोसाइटी के मैं मैं वेस्टर्न जो जो उन्होंने एक निज़ाम बनाया है मैं समझता हूँ कि सोसाइटी को ह्यूमनिज़म के ऊपर रीज़न के ऊपर रैशनैलिटी मतलब उसके ऊपर लॉजिक के ऊपर और प्लस जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है और उसके लिए जो साइंटिफिक लॉज हैं ये सारे जब तक आप इनकलकेट नहीं करेंगे सोसाइटी में आप आगे नहीं जा सकते तो आपके पास रूट वही है ये रूट ये नहीं हो सकता कि आप पुरानी बातें करके तो आगे चल पड़े पुरानी बातें करें कि वही रहेंगे आप है। आपको आगे जाना पड़ेगा इकबाल ने किताब लिखी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा यार इस्लाम तो है मजहब भी है मैं भी मुसलमान हूँ आप भी मुसलमान हैं तो मैं जो हूँ मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म होना चाहिए हर चीज़ साथ, साथ ठीक है अगर आपने आगे जाना है अदरवाइज आप कहें तरक्की की दौड़ में हम शामिल नहीं हैं जो मर्ज़ी करे दुनिया हमने तो जो अपने उसमें एक आ, अंडे में रहना है और अब फिर आखिरकार वो अंडा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम सिविलाइजेशन की दौड़ से निकल जाएंगे प्रॉब्लम एरिया तो वो उसमें ये होता था कि मैं करता था ऐसा म्यूज़िक जो कि मुझे लगता था कि इस सोसाइटी के अंदर वो डॉगमा ना प्रोड्यूस करें अच्छा ये के उल्टा करता था ये बातें करता था और तरह की जो इमरान खान भी करते हैं जिंदगी और थी हर किस्म का और किस म्यूजिक क्या, हाँ। क्या बनाना म्यूजिक क्या बनाना मतलब जी टी रोड त्रेका लं अगर आप गा रहे हैं हाँ। तो फिर आप साथ, साथ मजहब आप... का ना तड़का लगाए ना आप पूरा आप मजहब का तड़का किस तरह उसमें उसके अलावा उसकी पूरी जो बातें होती थी ना मैं आपको बताता हूँ ना प्रॉब्लम हमारा वहाँ पड़ता था जैसे मिसाल के तौर पर मैं अली ज़फ़र अबरार एक दो बैठे हुए थे एक जगह पी, पी का शो था अच्छा तो अली जफ़र को जो कॉम्पियर थी उसने कहा कि थ्रिल होना चाहिए लाइफ में और ये वगैरह वगैरह तो अली ज़फ़र ने कहा थ्रिल तो ये भी होता है ना कि इंसान जो है वो अपनी मतलब तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो वो भी थ्रिल ही होता है और वगैरह वगैरह उसने कोई ख़ास सैनैरियो में कहा कि ऐसा का सैनैरियो हो तो वो थ्रिल होता है तो उब्रार ने उसे कहा उधरी के ये बड़ी बुरी बात है, है? पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक और हमारा जो मज़हब जो कहता है तो ऐसे नहीं होना चाहिए तो मैं, तो मैंने मोहसिन जाफर उसके प्रोड्यूसर थे अभी भी हैं वो पीटीवी में पी टी वी में कभी बड़े यही मैं कह रहा हूँ ना अच्छा। ये मुनाफा है ना अच्छा तो मैंने मैंने वहीं से ना मैंने रोका एकदम सबको पता है इस बात का उसके शब्द गवाएं मैंने रोका मैंने उसका मोहसिन साहब बंद करें इसको उन्होंने मैंने कहा यार तू मतलब मैं इधर नहीं कहना चाहता मैंने कहा तू क्या है तू क्या करता है और ये नया नया लड़का आया है तू ये बोलेगा उसे फायदा होगा क्या जब भी चलेगा लोग कहेंगे कि ये कितना अच्छा आदमी है और ये कितना बुरा आदमी है तो मैंने कहा ऐसे ना कर यार। तो वो अली ने बाद में मुझे कहा कि शुक्र है आपने ये कर दिया मेरे से गलती हुई मैंने कहा ध्यान से बोला कर अभी इस तरह के इतने इंस्टेंसेस हैं कि मैं बता नहीं सकता और ये वाहिद आदमी था जो ये करता था शिदाज ने कभी नहीं किया बाकी लोग नहीं करते देखें ना राहत अली खान को हमने कब देखा है कि वो मजहबी बातें कर रहा है या बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म की गुस्तु कर रहा है हालांकि वो एक ऐसे खानदान से है जो कि

उसको उसको गाते हैं उसको उन उन वर्सेस का वो इस्तेमाल करते हैं कवाली का पजा लाख रुपये लेंदेन फंक्शन जाते हैं इसका सूफी सुफी के साथ क्या तल्लु ये तो जी हमारा एक दोस्त है जुनेद नमशेद मेरे बहुत मतलब मेरे तो उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था प्यार भी था तो जुनेद जो थे मुझे बड़ी अच्छी तरह ये बात याद है मैं मैं आपको थोड़ी सी ना कॉन्ट्रोडिक्शन बता रहा हूँ हमारी सोसाइटी की और उन लोगों के नाम लेके बता रहा हूँ जो सोसाइटी के टावरिंग फिगर्स थे तो हम बाद में आए ये हमारे से पहले के थे तो हुआ ये कि एक दफ़ा हमने टूर करना था अमेरिका का मेरा वो पहला टूर था टू थाउजेंड वन है मेरा क्या ला टू थाउजेंड वन या टू थाउजेंड टू की बात है नाइन इलेवन हो चुका हुआ था अब मैं पहली दफा जा रहा था टूर पे अमेरिका मैंने टू थाउजेंड एलव निकाला था हाँ। तो उसमें हम जा रहे थे तो जुनेद उस जमाने में दाढ़ी भरदार थे दाढ़ी रखी हुई थी बड़ी और तबलीगी थी और तारिक जमील मौलाना तारिक जमील के साथ होते थे इन्होंने दाढ़ी कटा दी टोटल क्लीन शेव किया मैं मुइन अख्तर आ, बहुत बड़े नाम आपको पता है वो थे आ, नदीम साहब उनका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता जो हमारे एक्टर हैं बहुत बड़े बहुत बड़े एक्टर जो फिल्म एक्टर हैं नदीम साहब ठीक हाँ जी वो थे उसमें दो लोग थे खुशबू और बाज़ ये मियाँ बीवी थे और ये ज़रा थोड़ा सा डांस का इनका एक वो था फैसल काजी थे वो एक कॉमेडियन है तो ये हमारा पूरा एक एन टू राज आप हम थीक, थीक, थीक। मेरा <laughs> मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात वो जब उन्होंने करवाई ना वो तो और चले गए तो ऐसी बातों बातों में क्योंकि इतना लंबा टूर था कोई सवा महीने का तो बातों बातों में जब बात निकली तो पता चला कि ही वॉन्टेड टू मेक सम मनी सो दैट ही कुड इन्वेस्ट इन टू अ बिजनेस सो ही टुक सम फतवा जो भी होता है फ्रामी तो जमात कि जी मैं अगर ये करने के लिए दाढ़ी कटा दूँ वापस आके फिर रख लूँ तो वो पैसा किससे कमाया म्यूजिक से कॉन्सर्ट से वापस आके कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मेरे सामने हुआ मैं उसका सचिनदीत गवाह हूँ वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारे जर्नलिस्ट थे बहुत बड़ा अच्छा मजे की बात है फिर मोहसिन जाफर ने ये सवाल किया यही बंदा जो जो पी डी पी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कि जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जुनीद ने कहा मैं शुक्र करता हूँ कि मैंने ये काम छोड़ दिया और मैं दुआ करूंगा कि जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी खुदा हदायत दे और वही छोड़ दें अच्छा तो उसने खड़े होकर पूछा मोहसिन जाफर साहब ने पूछा कि यार आपने जो इतने पैसे बनाए हैं लाइफ में आप वो सारे जो हैं वो आप दे रहे हैं मतलब या गरीबों को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को और आप अपने एसेट्स ख़त्म करें क्योंकि आपने तो हराम की कमाई इसका मध्य कमाई है इस पर जुनेद एकदम लाल चेहरा हो गया जुनीद का जुनीद ने कहा कि नहीं ये मैंने फतवा लिया है कि जो पहले आपके पास है सारा वो आपको वापस करना जरूरी नहीं है अच्छा तो रिलीजन को देखो मंजूर आप इतने आप माशाला इंटेलिजेंट आदमी हैं मैं आपको ब्लॉग सुनता रहता हूँ आप मुझे बताएं कि रिलीजन तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जब आप इसको यूज करना शुरू करते हैं ना टू मेक योर पॉइंट स्ट्रांगर या टू एक्सप्लोइ फिलोसफी uh, तो मैं इसको बहुत बुरा समझता हूँ कोई भी करे तो मेरा ख्याल है कि मुनाफ्त की हद तक पहुंचे हुए हैं हालांकि आदमी थे बहुत अच्छे। लेकिन पैसा तो, आप क्यों कह रहे हैं बाकी है कि बाकी लोगों को हदायत मिले बाकी लोगों को क्यों हिदायत मिले यार सारी म्यूजिक इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री नहीं मजदूर में नहीं है वो तो

मतलब सिंस नाइन्टीज़ उसके बाद टू थाउजेंड का एक डेकेट आता है और उसके बाद दो हज़ार वैसे ही बड़े पुराने हो गए मतलब <laughs> अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ वी नाउ वी आर स्टार्टिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लोगों के टेस्ट चेंज हो गए हैं uh, आपके ख्याल में अब वी हैव फॉलन बिहाइंड या जो अब म्यूज़िक बन रहा है वो एक्चुअली ज़्यादा बेहतर बन रहा है विद बेहतर फैसिलिटीज़ पैसा इसके अंदर अब ज़्यादा आ गया है डिफरेंट मीडियम से आ गया है यूट्यूब के जरिए लोग बहुत पैसा बनाते हैं अब अपना म्यूज़िक वहाँ पर रिलीज़ करते हैं बॉर्डर्स ख़त्म होते जा रहे हैं मतलब अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में दुबई से बैठ के आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या कहीं से भी आपके ख्याल में इसमें भी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है बिल्कुल आई है ये और ये इससे नुकसान ये हुआ है कि आर्ट जो है वो उसके अंदर जो कॉम्पिटेंस थी और जो एक्सेलेंस थी जो कि मेरे ज़माने में भी कम हुई मैं साहब के साथ मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता ना अपने आप को वो इतने उनका गला जो ऐसा तैयार था नूर जहाँ साहिबा के साथ नहीं कर सकता लता मंगेशकर साहब के साथ नहीं कर सकता किशोर कुमार साहब के साथ नहीं कर सकता वो वन टेक में गाते थे अच्छा। मतलब म्यूजिक बजना शुरू हुआ और वो उन्होंने गाना है कोई आ, उसमें आप कट नहीं लगा सकते बाद में आप एक लाइन नहीं गवा सकते एक लफ्स नहीं पंच कर सकते जो होना है उसी चार मिनट में होना है जो चार मिनट गा जी वो इतने ज़बरदस्त लोग थे कि उनके गाने सुने तो वो लगता है कि सुर में ही नहीं रहे ऐसा सुर पक्का है तो मैं नहीं वो कर सकता अच्छा।, अच्छा मेरे ज़माने में तो फिर भी हम लेकिन कुछ हद तक गा लेते थे अब मैं जो देख रहा हूँ ना सारों को नहीं कह रहा बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टार बने हुए हैं लेकिन वो गा नहीं सकते इस तरह अब ये नुकसान है कुछ मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जैसे नबील चौकत है नजम सेठी के बेटे हैं अली, अली सेठी वो है आ, अमानत अली है चार पांच लोग ऐसे हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको गाना नहीं आता लेकिन दूसरी तरफ फ़ायदा क्या है फ़ायदा ये है कि ट्यूनर लग गए हैं ट्यूनर अगर आपसे भी मैं गाना गवाऊँ ना मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ अगर अभी गाने का दिल किया ना तो मुझे बताइएगा <laughs> मैं आपको गाना रिकॉर्ड करके ऐसा उसको ट्यून करूँगा कि आप कहेंगे यार ये मतलब मैं तो बहुत ही अच्छा सिंगर हूँ तो अब ये जो गैजेट्स हैं इसने म्यूज़िक तबाह कर दिया है दूसरी तरफ लेकिन फ़ायदा क्या किया है ट जो है ना वो इतनी ज़्यादा हैं मुख्तफ टोन्स मतलब ड्रम की टोन्स, टोन्ई की टोन गिटार की टोन कोई भी उठा ले मुँह उठा मतलब दुनिया में तबला टोन्स इतनी ज़्यादा हैं कि हर दफ़ा नया गाना आप मनाते हैं हर दफ़ा नया तो लोग ये जो नए लड़के हैं ना नए लड़के लड़कियाँ इनको डाइवर्सटी चाहिए ये वाली कि हर दफ़ा नया गाना हर दफ़ा नया टोन नया तो वो मेरा ख्याल है कि उससे वो म्यूजिक जो है बिल्कुल चेंज हो गया जवाब बॉलीवुड के अंदर एक इल्ज़ाम जो वहाँ पे लगता है वो ये है कि जनाब विरासती एक्टर बने हैं किसी का बाप एक्टर था किसी का बाप प्रोड्यूसर था या फाइनेंसर था उसकी वजह से उसको ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म मिल जाता है कई नाम हैं जो हम ले सकते हैं वहाँ पे इट एट द एंड ऑफ द डेट इट कम्स टू नेटवर्किंग ठीक है क्या आपके आपके बाप दादा थे नेटवर्किंग थी आपको एक पुश मिल गया जंप मिल गया पाकिस्तान की मूवी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर भी है इफ़ यू हैव नेटवर्क गरीब सिंगर जो है उसके सक्सेस के इतने चांसेस नहीं है जितने अमीर सिंगर के ज़्यादा चांसेस हैं इज दैट अ फैक्ट डेफिनेटली ऐसा है लेकिन थोड़ा सा उसको जो करता है uh, मतलब मेरा ख्याल है कि कोई पॉजिटिव एक फैक्टर जो है वो ये है कि जब कोई बड़ी कॉपरेट्स जैसे नेस् कैफे बेसमेंट एक गाना प्रोग्राम uh, प्रोड्यूस कर, uh, करते हैं वो नैस कैफे वाले hmm. कोक करता है इस तरह की चीज़ें पेप्सी कई क्रिकेट पे गाना मनाता है तो किसी को उठा लेता तो नसीबो लाल को भी ले लेते हैं वो लो लोग तो इसलिए वो वो उनके पास ये पावर अब है कि वो ऐसे लोगों को भी लेके आ सके लेकिन वो बहुत थोड़े लोग होते हैं पी अच्छा। टी के ज़माने में और इवन एनटीएम के हद तक तो पी वर्ल्ड तक भी आम लोग जो थे वो स्टार बन जाते थे अब आपके यू नीट टू हैव मनी फॉर देट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ गुड वीडियो तो दस लाख लग जाता है आपको अगर अच्छी मॉडल लेनी है आपने अच्छी एक्ट्रेस लेनी है उसमें या लड़की ने किसी अच्छे एक्टर को लेना है hmm. तो वो इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है कि बड़ा मुसीबत होती है तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी नुकसान हुआ है उससे हुआ है कि एक क्लाउड बन गया है ड्रामा इंडस्ट्री में मैंने देखा बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा इंडस्ट्री में आपको वही लोग बार 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 नजर आ रहे होंगे बार बार न्यू एंट्रेंस नहीं है और ग़रीब और लोअर मिडिल क्लास की लड़कियाँ ये लड़के आपको बड़े कम नजर आएंगे अगर आप पुराने ड्रामे देखें खुदा के बस खुदा की बस्ती से स्टार्ट जे, करें जे। आम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग बोलना भी उर्दू उनको इतना अच्छा लेकिन एक्टर इतने अच्छे हाँ। और वो जब आके करते थे ड्रामा करते थे तो उनकी एक्टिंग दे के वो उनको एक्टर रखते थे हाँ। अब आपकी शक्ल दे के रखते हैं अब आपका क्लास का बैकग्राउंड दे के रखते हैं अंग्रेजी आप बोलते नहीं बोलते आप उस क्लास में मिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं मेरा ख्याल so ये अभी यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इसमें अभी आपने थोड़ी देर पहले जिस चीज़ का जिक्र किया कि जी गाना की शूट करने के लिए जो है वो आपको एक मॉडल भी चाहिए होती है एक अच्छी मॉडल जिसने पैसे भी लेने हैं इससे भी फ़र्क पड़ता है गाने के हिट होने में या ना होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अभी अभी रिसेंटली मैं आपको एक दो एग्ज़ाम्पल देता हूँ कोक स्टूडियो जो है कोक स्टूडियो में आर एफ लोहार ने एक गाना किया जी आरिफ लोहार जो हैं वो बहुत अरसे से गा रहे थे जी। और उन्होंने जुगनी मुख्तलिफ तरीक़ों से बड़ी दफ़ा गाई थी ऐसे ही है। जब उन्होंने मीशा शफी के साथ वो किया ना कोक स्टूडियो में हाँ। मीशा शफी इज़ एन अट्रैक्टिव गर्ल और वो आ, गाना उसका आ, 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 अच्छा है लेकिन गाना उसका आ, मतलब हमारे जैसा ही है आ, बहुत अला सिंगर नहीं आरिफ लोहार बहुत ट्रेंड आदमी है लेकिन आरिफ लोहार

अभी हमारा दोस्त है मेरे से बहुत काम किया बग्गे ने बगे ने ऊपर बड़े सवेर क्रिटिसिज्म होना है इस कमेंट के होने दे कोई फर्क नहीं पड़ता आ, नहीं आ, 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 तो आ, तो मिशा को भी पता है मिशा को पता है कि वो नसीबुलाल से अच्छा नहीं गाती मैं मुझे पता है कि मैं आ, 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 जैसे मैंने अभी कहा नबील चौकत मेरे से बात आया मैं उस जैसे नहीं गाता और मैं शफकत मानंद और राहत अली खान जैसा नहीं गाता तो इसमें मिसेस एफ क्यों कहेंगे मुझे पुछ? वो ये कहेंगे कि जी आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं एक औरत हूं क्योंकि मैं एक लड़की हूं इसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि जी लड़की का गाना जल्दी हिट हो जाता है लड़के का गाना मैं ये नहीं कह रहा अच्छा मैं कह रहा हूं कि ये भी तो उसके एक अच्छी बात है ना कि शी इज अ प्रेजेंटेबल अट्रैक्टिव फेस देखें अगर आप लोहार

ये कोई ये सिम्बोलिकली मैं कह रहा हूँ आप लड़कियां देखें आ, वो जिनको लेके आते हैं आ, वो लड़कियां इतनी यंग होती हैं इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो एक बुढ़ा आदमी जो है वो उनके अच्छा नहीं वो ये मैं उसने फिट कपड़े में रखा हुआ है आ, लेकिन क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान उसकी जगह माधुरी दिक्शित को डाल लेगा तो वो फिल्म हिट हो जाएगी ये दिस दिस काउंट्स नहीं दिस काउंट्स दीपिका पडूकौन से लेके कैटरीना कैफ से लेके ये सलमान खान ने प्रोड्यूस की ये शाहरुख खान ने की आमिर ख़ान ने बहुत सी की हैं ये सारे लोग एक्चुअली जिंदा इसलिए हैं क्योंकि वो अपने साथ एक यंग खूबसूरत लड़की को रखते हैं जिसकी एक्टिंग एबिलिटी भी होती है लेकिन क्या आपको लगता है कि जीनत तमान जो थी समीता पाटिल उससे बड़ी कमर्शियल हिट हो सकती थी वो नहीं हुई लेकिन जवाब भाई मिसाल के तौर पर अब दंगल है आमिर ख़ान की फिल्म उसके अंदर कौन सी कटरीना गए आमिर खान खुद है ना वही तो मैं कह रहा हूँ तो वो उनकी अपनी भी तो एक स्टार अपील है ना अल्टीमेटली इट्स अ कंज्यूमर मार्केट आमिर खान खुद जो है ना वो फ़र्क आदमी है शाहरुख खान और सलमान खान के बारे में आप ये नहीं कह सकते आमिर खान जो है ना वो आपको मालूम है वो किस तरह का आदमी है उसने तो तारे ज़मीन पर भी बना के वजह से शाहरुख और सलमान के साथ अगर एक यंग हीरोइन ना हो तो वो नहीं चलेंगे और कमर्शियल मूवी में आमिर के साथ भी ना हो तो अगर कमर्शियल फिल्म है उसकी हाँ। देखिए हमारे यहाँ पे ना रेवेन्यू जनरेटिंग फिल्म जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं एक होती हैं जो बिल्कुल कमर्शियल होती हैं जब वो बनाई जाती हैं तो, और जब उनको मार्केट किया जाता है तो वो आपको पता होता है कि ये कमर्शियल फिल्म है ठीक है उसकी मार्केटिंग का बजट ही कमर्शियल होता है ठीक है दूसरा ये होता है कि आप फार्मूला फिल्म नहीं बनाते आप ऐसी फिल्म बनाते हैं ऐसी लगान को आप ट्राई करते हैं बहुत सी चीज़ें आप ट्राई करते हैं कुछ चीज़ें हिट हो जाती है कुछ चीज़ें नहीं होती अभी रिसेंटली उसकी नई हिट हुई ना ये जो अभी लाल सिंह जो है हाँ। तो ये कई दफा बहुत बड़ा आपको मेरा मैं मैं, मैं एक दोस्त है साहिपा सारी उम्र से मेरे साथ पहले काम किया है अब मेरा बहुत ही क्लोज दोस्त है छोटे भाइयों की तरह वो जब पहली दफा उसने कोक छुड़ी में गाना गाया तो गाना तो उसने अच्छा गाया बनाया वो खुद बनाता है म्यूजिक तो उसको उसकी वो भी है लेकिन उसके साथ आयमा बेग थी अच्छा आयमा बेग इस अनदर गुड लुकिंग गर्ल और गाना भी उसका अच्छा है बग्गा अगर अकेला वो गाना गाता ना तो वो उस गाने को वो ना मिलता जो आयमा बेग के साथ मिला सेकेंड टाइम उसने क्या किया फिर आयमा बेग के साथ गाना गाया तीसरी दफा क्या किया फिर मोमना मुसासन के साथ गाना गाया देखें होता पता क्या है हमें कई दफ़ा बड़ी Uh, जब मेरे जैसा बंदा जो कि ज्यादा बहुत ही सबस्टैंशियल किस्म के और uh, प्रोफाउंड किस्म के पोलिटिकल आइडियाज बोलना चाहता है जब आपको आपको उसको आप इधर लेके आएंगे तो मैं जब फैक्ट्स बोलूँगा जो कि पैटी लगेंगे आम लोगों को सुपरफिशियल लगेंगे तो लोग कहेंगे यार जवाब भाई ये क्या बातें कर रहे हैं लेकिन दिस इज लेकिन जवाब भाई आप उसे हिट हो जाता है ना इंसान ठीक तो बेसिकली फिर आपने भी जो गाने गाए मिसाल के तौर पर ऊंचिया मजाजा आली उसमें लड़की लड़की इंपॉर्टेंट थी लड़की इंपॉर्टेंट थी लड़की इंपॉर्टेंट थी आ, वो कहती है सही में तेरी यहाँ में मैंने बड़ा अच्छा गाना उगाया लेकिन उसके वीडियो में वो नादिया अफगन ने एक्टिंग बहुत अच्छी की अच्छा और देखें अगर एक गाना रोमांटिक हो पाकिस्तान के अंदर गाने हिट कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ आपको रोमांटिक गाने हिट होते हैं भंगड़े हिट होते हैं और पाकिस्तान के कुछ गाने वो भी हो जाते हैं सारे नहीं होते नगमे और चौथा स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ज़्यादातर ये गाने हैं जो पॉप म्यूजिक में ये जॉन है जो हिट होते हैं इनमें सबसे ज्यादा हिट कौन से होते हैं रोमांटिक hmm. सॉन्ग्स hmm. अब रोमांटिक सॉन्ग्स क्यों एंड होते हैं इसलिए क्योंकि उसके अंदर रोमांस होता है hmm. और रोमांस में लड़का लड़की होते हैं अगर लड़की अच्छी शक्ल की होगी तो वो और ज्यादा फायदा होगा तो इट इज वेरी पैटी इट इज वेरी सुपरफिशियल बट एज रियलिटी एज इट्स अ रियलिटी बट एज लॉन्ग एज सोसाइटी मूव फॉरवर्ड एंड सोसाइटी मेक हीरोज लाइक एंड डेक हीरो आर सोसाइटी

दोनों की शक्लें दोनों की क्लास आप आप ये समझें कि आपने बाकी सारी चीज़ें एक जैसी कर दी सिर्फ एज और जैसे हम कहते हैं ना कि अट्रैक्शन जो आपके अंदर होती है उसमें उनका गाना भी एक जैसा है वो क्लास भी एक जैसी है सब कुछ तो ये मैटर करेगी नसीबो लाल द प्रवीण दोनों बड़ी बहुत बड़े नाम हैं पाकिस्तान के दोनों बहुत बड़ी सिंगर्स हैं हिट्स पे हट्स देती हैं आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा जी पेपी ने उनको जो है वो आ, कास्ट इन किया बड़ा उस उसमें भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ वैसे उस पर भी एक डिबेट स्टार्ट होगी थी कि जी मतलब इतने बड़े इवेंट के लिए नसीबो लाल को लेकिन कुछ लोगों ने बहुत पसंद किया कि नहीं शी शी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द ट्रू पाकिस्तान तो, देखिए नसीबो लाल जो है ना बहुत अच्छी वो हैं हमारी आर्टिस्ट हैं शाजिया मंजूर बहुत बड़ी आर्टिस्ट है बिल्कुल ये जिनकी आप बात करें अफ द परवीन बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं लेकिन ये लोग जो है ना इनका जॉनरा जिस तरह का है इसमें लोग इनको एज पॉप आर्टिस्ट नहीं देखते जी ये पॉप म्यूजिक कर ही नहीं सकते पॉप म्यूजिक के लिए एक अलहदा किस्म का एक पूरा पैकेज होता है आपका इनका जो है वो इस तरह गया जैसे आप अगर आप नुरफत अली खान को कहेंगे तो नुरफत अली खान को वो लोग तो नहीं देखने जाएंगे जो तो अली जफर का कॉन्सर्ट देखने जाते हैं या आतिफ का देखने जाते हैं इस वक्त के अगर स्टार स्टार आप देखें ठीक है उन उनको आप थोड़ा सा आलहदा इसलिए कर दें और ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो होंगे भी स्पिरिचुअल रैम के ठीक है वो स्पिरिचुलग्स कर रहे होंगे उनके साथ चला भी जाता है उनकी ऑडियंस में यंग लोग बहुत आपको कम मिलेंगे अच्छा उनकी ऑडियंस में आपको फैमिलीज कैरी होंगी बच्चे को के साथ चलो तो हो गएगा मैंने नहीं जाना अच्छा मैंने तो जाना तो और ये तो वेस्ट में होता है हाँ। वेस्ट में लोग जो लोग फिल कॉलिन्स को सुनने जाते हैं वो अपने बच्चे को साथ नहीं लेके जा सकते उनका बच्चा जाता था वो उसको सुनने वो क्या नाम था उसका आ, उस जमाने में बहुत बड़ा बैंड था स्टिंग नाम था मेरा ख्याल हाँ या कोई ये जो रॉक सेट है या वो गन्स एंड रोजेज है हाँ। वो उनको सुनने जाते थे हाँ। तो ये तो देखें मंजूर चलता रहेगा इंसान जो है ना हम सारे इस्थेटिक्स के कैदी होते हैं और इस्तीटिक्स तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में चाहे कोई लिबरल सोसाइटी हो कंजर्वेटिव हो सोशलिस्ट हो कैपिटलिस्ट हो कोई भी सोसाइटी हो स्थेटिक्स जो हैं वो इंसानों के इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस होते हैं अच्छा हाँ कोई किसी को कहते नहीं है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर ये ज़रूरी है ये सारे कॉम्पोन जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर हिट होने के लिए ज़रूरी है ये सारे आपको बीच में ऐड करने चाहिए ख़्वीन का किरदार भी होना चाहिए उसके अंदर उस स्टोरी लाइन के अंदर उसके, उसके बगैर गाना नहीं हिट होता मैं समझता हूँ कि पैसा बनाने के लिए और ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए और ज़्यादा मशहूर होने के लिए यही फार्मूला है अगर आप इमरान खान को देखें तो मैं बहुत बड़ा आ, क्रिटिक हूँ सॉरी क्रिटिक हूँ और क्रिटिक करता हूँ उनके ऊपर तो अगर आप देखें तो रिसेंटली उन्होंने कहा कि ये लाइट नहीं सही ए आर की लाइट अच्छी थी और वो शान की लाइट बुरी थी हाँ। वो शान बेचारे को भी साधरा कर दिया हालांकि शान तो बहुत ज़्यादा उनको वो करता फॉलो करते हैं हाँ, फॉलो हाँ, करता है तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप कहेंगे लोगों ने मजाक उड़ाया इस बात का मैंने नहीं उड़ाया था मैंने इमरान खान को जितना मर्ज़ी में क्रिटिसाइज़ करता हूँ मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि यार देखो क्या कहता है मेरे पे लाइक क्योंकि वो ठीक कहता है भाई वो अच्छा नहीं लगेगा तो उसकी आधी फॉलोइंग जो है ख़्वीन की और आधी खातन यंग लोगों की यंग लोग क्या इंस्पायर करते हैं यंग लोग इस्पायर करते हैं कि मैं अच्छा लगूँ हाँ। मुझे लोग पसंद करें खास अपोजिट सेक्स से लोग पसंद करें जिनकी शादी नहीं हुई होती तो वो तो ज़्यादा इस पर होते हैं तो अगर इमरान खान उनको अच्छा नहीं लगेगा देखने में तो वो आधा तो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जवाब वीकनेसेस कुछ, कुछ होती है, कुछ होती है हुँ। हुँ। आपकी ये है लोग आपको आपके गाने की वजह से जानते हैं ठीक है जी। और स्मार्ट वैसे आप भी हैं ऐसी बात नहीं है स्मार्ट आप, नहीं नहीं नहीं, है। वो आप भी हैं यार्ट यार। <laughs> आप, आप है। अब खान साहब के पास अगर ये स्ट्रेंथ है कि वो उनकी गाय और ही वॉन्स के लोग उनको इस वजह से पसंद करें तो बी एड बिल्कुल ऐसा है तो कोई बुरी, बिल्कुल, बात नहीं। बिल्कुल, बुरी चीज़, क्या लगती आप? बुरी चीज़ यह है कि ये कि इसके बावजूद वो करते सारा कुछ गलत है अच्छा। देखे ना एक आदमी अगर मेरे सामने कोई चीज़ बन रहा है बड़ी और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं लोग इंस्पायर कर रहे हैं ऐसा मैं हो जाऊँ और वो अच्छा भी लग रहा है सब कर जो है वो हरकतें जो कर रहा है उससे सोसाइटी पीछे जा रही है आगे जाने के बजाय इमरान खान के साथ मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो एक रिग्रेसिव फोर्स है पाकिस्तान में देखिए हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि वो इमरान खान कहते हैं जी ये चोर हैं नवाज शरीफ और आसफद दारी आ, जो उनके उनका जो रिटोरिकल पॉलिटिक्स है ना वो दो चार चीज़ों पर बेस करता है एक तो ये है कि जी ये दोनों चोर डाकू हैं दूसरा कि जी पाकिस्तान में करप्शन बहुत है और मैं करप्शन ठीक करूँगा तीसरा वो जी इलेक्शन में धांधली होती है मुझे इलेक्शन में धांधली से हराया जाता है ठीक है चौथा इस मुल्क से जी ये लोग सिस्टम uh, को यूज़ करते हैं उसमें अदारे इन्वॉल्ड हैं और अदारे जो हैं वो उनका रोल जो है वो ख़त्म होना चाहिए ये सारी चीज़ें जो है इमरान ख़ान सेलेक्टिवली यूज़ करते हैं अच्छा कभी वो ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे जब जुडिशरी और फौज उनके साथ होगी तो वो ठीक होगा तो चाहे इन्वालमेंट उनकी हो ना हो पॉलिटिक्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान को क्योंकि वो उनके अगेंस्ट नहीं है उनके फेवर में है ठीक है वही जब जुडिशरी और फ़ौज उनके खिलाफ हो जाएगी तो ये ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे खिलाफ है कहेंगे ये होना ही नहीं चाहिए इनकी इन्वॉलमेंट तो ही नहीं चाहिए तो ही इज नॉट स्टैंडिंग ऑन प्रिंसिपल्स अच्छा वो खड़े हुए हैं इस बात पे कि मेरे लिए फायदा क्या चीज़ है उस वक्त उसको सच और झूठ बना लेते हैं तो साथ ये चार चार पांच चीज़ें जो है ना ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है ये ये इमरान खान की ऐसे पॉलिटिक्स है मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान पॉलिटिक्स में रिलीजन को यूज़ करते हैं जबकि हमारी सोसाइटी में सारे मुसलमान हैं तकरीबन पचानवे फीसद मुसलमान हैं। इस मुल्क में अगर कोई मसला अगर नहीं है ना तो मज़हब नहीं है अगर देखा जाए तो सारे मुसलमान हैं भाई किसने ने किसी को क्या मुसलमान बनाना है क्या कोई शिया को, को सुन्नी बना सकता है या सुनी को शया कोई किसी को लिबरल मुसलमान से कंजर्वेटिव मुसलमान बना सकता है या कंजरवेटिव से लिबरल नहीं क्या कोई बरेलवी से देवबंदी देवबंदी से बरेलवी बना सकता नहीं अगर बनाना चाहे भी तो जरूरत क्या है भाई रहने देना जो भी वो है उसका खुदा का मामला है जब आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में दाखिल करते हैं ना एक्चुअली तीन जगहें जहाँ दाखिल करते हैं तो बड़ा काम खराब होता है एक पॉलिटिक्स ये तो सबसे डट्रीमेंटल है दूसरा मीडिया और तीसरा एजुकेशन जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है ठीक है अगर आप इनमें इसका रोल ये रख दें कि ये ड्राइविंग फैक्टर हो जाए तो दुनिया में लड़ाई है नफरत लड़ाई मारकुटाई असबियत Uh, ये सारा कुछ जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देता है ये लफ्ज इतना वो हो गया तो हाँ. है, मेरा तो ख्याल है कि रसूल जो थे अगर आप उनकी मॉडल देखें जो उन्होंने भी बनाया था तो hmm. वो उस जमाने में चूँकि सेकुलर लफ्ज ही नहीं था वो सारा इस्लाम एक्चुअली जो उसकी मैनिफेस्टेशन है और उसकी जो ट्रांसलेशन है इनटू लीगल सिस्टम्स इनटू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग लेजिस्लेशन सब कुछ सब सेकुलर है अच्छा भैया आप राइट्स दे रहे होते हैं माइनॉरिटीज को आप राइट्स दे रहे होते हैं वेमेन uh, को आप राइट्स दे रहे होते हैं एनिमल्स uh, को इवन ठीक है आप सारा कुछ वो कर रहे होते हैं रिगार्डलेस ऑफ वट देसन रिलीजन सेक्ट क्रीड रेस जेंडर uh, इस और जिस तरफ हम जा रहे हैं जिस मैंने कहा इकबाल कहते थे उस ज़माने में जब वो फौत भी हो गए वो तो उ, 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 मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बनने से काफ़ी अर्सा ही फौत हो गए नाइनटीन थर्टी थर्टी एट में फ़ौत हो गए मेरा ख्याल है हुँ. तो उस ज़माने में भी उन्होंने ये कहा कि भाई इस्लाम को प्रोग्रेसिवली हमें अब दिखाने की ज़रूरत है और प्रोग्रेसिवली इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है रिकन्स्ट्रक्ट करने की जरूरत है ठीक है अब तो बहुत ज़्यादा जरूरत है आपका पूरा जो नाइन इलेवन हुआ है उसके बाद आपको इस्लाम कौन सा बताना है दुनिया को आपको वो बताना है जिससे आपकी तरक्की की राह में रुकावट ना हो आपकी सोसाइटी को लेकिन जब आप रिलीजन यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स में तो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं मैं आपको एक बात बताऊँ मंजूर मैं तो क्योंकि हिस्ट्री पढ़ता हूँ मेरे वालदे पोलिटिकल साइंस पढ़ाते थे इस मुल्क लड़ाई तैयार हो रही है ऐसी जो लोगों को पता नहीं चल रहा ये अंडर करंट्स में है अच्छा अंडर करंट्स में जो लड़ाई है वो मजहबी है अच्छा और जब वो शुरू होगी ना तो हमारी जो बड़ी मुश्किल से एक मिडिल क्लास बनी है ना आप जैसी मेरे जैसी इवन वो लोग भी जो थोड़े से ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं अच्छे उनको मुसीबत पड़ जानी है अच्छा क्योंकि उनको उनको पता पहली दफा चलेगा कि ये क्या हुआ है मैं एक्सपैट्रिएट्स को खास तौर पे ये कहता हूँ मैं जब बाहर जाता हूँ मैं उनको कहता हूँ आप एक सांप को पाल रहे हैं आप एक सांप इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये आदमी जो है ये 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 करेगा इमरान खान साहब को आप जी जी अच्छा। वो मैं उसकी वजह बताता हूँ रहते वो अमरीका में जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं इमरान खान को जो सपोर्ट करते हैं रहते हुए यूरोप में है वो लोग अपने बाल बच्चों को पालते हैं वेस्टर्न वैल्यूज के साथ ठीक है मुसलमान वो आ, अपने रिचुअल्स के हद तक होते हैं और वो ठीक है वो मैं उसको बल्कि एंडोर्स करता हूँ अच्छा लेकिन उसके अलावा वो जो है वो आपके उनके साथ दोस्त यार हर किस्म के होते हैं जूस दोस्त भी होते हैं क्रिश्चियन दोस्त भी होते हैं बुद्धिस्ट भी होते हैं मुख्त किस्म के लोग होते हैं और वो हर एक के साथ they are, they are okay, okay. तो सेकुलर सोसाइटी में वो रहते हैं अगर आज अमरीका अपने आप को क्लेम कर ले जी, आ, हम आज से क्रिश्चियन स्टेट हैं हुँ. तो ये सारे मुसलमान जितने बार रहते हैं ना पाकिस्तानी इनका बेड़ा कर को जे इसी तरह यूरोप करते हुँ. तो इन ये इन्जॉय करें उनकी सेकुलरिज्म उसको एन्जॉय करेंजॉय करी जा रहे हैं इधर जो है ये मदीना की रियासत की बात करते हैं हम तो भाई जो मदीना है वो हमारे सराखों पर हाँ। लेकिन वो मदीना वही बना सकते थे जो बना सकते थे और वही उन्होंने ही बनाया और उनका नाम भी नहीं लड़ना चाहिए आप अगर आप उनके साथ रिक्वेट अपने आप को करते हो इतने बड़े लोग थे सही अब आप उसको एक्सप्लोइ करके यहाँ बनाना चाहते हैं भाई हम हमारा नाम पाकिस्तान है हम मदीना नहीं है ना वो जमाना है ना हम हमारा नाम वो है तो आप क्यों कर रहे हैं एक्सप्लोइ इसलिए ताकि आप लोगों की इमोशन से खेलें लेकिन जवाब भी आप मानेंगे इस बात को कि यू कैन क्रिटिसाइज हिम बट ही हैज अ पॉपुलर स्टॉन्स यही तो मसला है ना तो यही हाँ, तो पॉपुलर होता है हाँ, देखें तीन चीजें पॉपुलर होती हैं हाँ, पहली बात अगर आप रिलीजन को यूज करते हैं पॉलिटिक्स में आप पॉपुलिस्ट हो सकते हैं ठीक है दूसरे नंबर पर आप अगर नेशनलिज्म को एक हम जिसको हम कहते हैं जिंगोइज्म में तब्दील कर दें ठीक है तो वो भी पॉपुलर होता है पॉपुलिस्ट होता है है तीसरा अगर आप कल्चर को पकड़ लें कि कल्चर अच्छा, ये और ये इतना इतना नुकसान दे मैं वो कह कह रहा था वो मैं बड़ा ये एक जुमले में मैं बंद करता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप इसको क्यों सपोर्ट करें भाई ये आदमी क्या बना रहा है यहाँ पे किस जो के ये ना तो बनाने वाला है आदमी एक क्लीन सेवन आदमी है यार हुँ. सबसे पहले तो ये तो कम से कम कर ले यार चलो उन बना ले हर चीज वो वो जिंदगी में जो उसने करना है आम लोग तरह तो करता थो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे प्रोग्रेसिव मुसलमान मैं तो अपनी बात थोड़ी कर रहा हूं तो मैं तो इमरान इम्रा, इमरान खान एक प्रोग्रेसिव मुसलमान नहीं मैं हिपोक्रेसी बता रहा हूं अच्छा हिपोक्रेसी क्या है कि एक तरफ आप ट्रेडिशनल उसकी बात कर रहे हैं आप मदीना तक जा रहे हैं थोड़ा सौ साल पीछे और एक तरफ आप आउटलुक आपकी वो है और आपकी हरकतें भी वही हैं वही हैं करते करते हैं हैं। जो सारे अच्छा। मैं उसमें जाना नहीं नहीं, मतलब आ, वो इमरान खान और वो वो जो, जो एक जमाने में वो जब क्रिकेटर थे और अब के इमरान खान में आज उनके हाथ में तस्बीह है रियासत मदीना की बात करते हैं वो इंसान ट्रांसफॉर्म भी तो हो सकता है बहुत से लोग तब्दील तो हुए हैं मेरा ख्याल है या तो आप छोटे हैं तो आपको पता नहीं है और यार आप बात करना नहीं चाहते नहीं, मैं आई want टू डिबेट ऑन दिस सारा मीडिया जा है टी आई के जो फॉलोअर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी आप इंसान को जो है वो तब्दील होने का मौका भी तो देना है इंसान चले ठीक भी हो सकता है ठीक है उनका एक माजी है तो और वो खुद भी डिनाई नहीं करते वो तब्दील नहीं हुए अच्छा हाँ मेरे पे केस कर दें इमरान वो नहीं हुए अभी कुछ पहले तक आपके जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं वो उनकी जो जो चीज़ें वो उनके पास हैं पाकिस्तान में देखें हमने एक नया चीज़ बना ली है कि जी आप पर्सनल लाइफ पे बात ना करें मैं भी नहीं कर रहा इस मैं नहीं करता लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर कोई इंसान रिलीजन पे बात करता है तो वो लोगों की पर्सनल लाइफ पे बात कर रहा है वो पर्सनल लाइफ में घुस रहा है उनकी क्योंकि रिलिजन अरे का पर्सनल मैटर है तो हम भी उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों नहीं घुस सकते इस हवाले से हम उसकी कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों नहीं बता सकते तजादात अब बस ये शुरू हो गया कि जी नहीं जी बात करनी तो मैं भी नहीं कर रहा चलिए मैं इस बात की रिस्पेक्ट कर लेता हूँ लेकिन ये जानते सारे हैं कि वो क्या करते हैं और वो सारे करते हैं जी

फिर मैं बताऊंगा कि वो क्या क्या करते हैं क्या केस करें किस चीज़ का केस करें आपके ऊपर? मैंने कहा है कि वो बिल्कुल वैसी लाइफ गुजारते हैं जैसे एक आम पाकिस्तानी गुजारता है वो मुनाफ़त होती है उसमें और वो सारी हरकतें करते हैं जो इस्लाम के अंदर नहीं है और, और वो, वो इस्लाम जो जो एक खास जिस तरीके से वो शराबी ना मनाए यार मैं, पता, मैं इन चीज़ों में स्पेसिफिकली नहीं जाना चाहता अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुझे ये कहता है ना कि नहीं जी वो ऐसा नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा वो कैसा है क्योंकि मैं तो उन लोगों को आपसे कह रहा नहीं 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 तो मैं कह रहा हूं। नहीं, नहीं 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 अगर कोई मुझ केस करता तो अच्छा मैं आप अदालत जाना चाहते हैं नहीं अगर <laughs> वो मुझे लेके जाते हैं तो फिर मैं बताऊँगा हाँ। कि वो कौन लोग हैं फिर मैं बताऊंगा कि वो किस कौन है किन कौन कौन लोग शामिल रहे हैं देखिए मुझे आम आदमी की पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा ठीक है मैं उसका हर इंसान की पर्सनल लाइफ को उसकी और खुदा के मामला हूं आ, लेकिन अगर कोई पॉलिटिक्स के अंदर ना रोजाना इस तरह यार इल्जाम है ही नहीं।, नहीं मुझे तो पता है नहीं। मैं तो फैक्ट्स बोल रहा हूं म, मतलब मैं फैक्ट्स जानता हूँ आपके बड़े बड़े जर्नलिस्ट फैक्ट्स जानते हैं यार मेरे साथ बात करते हैं वो बताते हैं कि ये ये यार हम ऐसे गल नहीं करना चाहते ऐसे ऐसी मसला ये देखें मंसूर आप सारी बातें छोड़ें मुझे एक बात बताएं ये जो इनकी बेगम है रिहम खान और का का भी हाँ और साहब का और एक और साहब का भी है जमायमा आप उनसे फर्क उनका सिर्फ देखें कि एक ने कुछ गुफ्तु की है एक ने नहीं की अच्छा लेकिन जिसने नहीं की ना वो और उनके बच्चे भी वो लाइफ क्या गुजार रहे हैं जिसके खिलाफ ये एडवोकेट कर रहे हैं पाकिस्तान में हुँ। हुँ। वो लाइफ क्या गुजारते हैं टोटली लिबरल टोटली लिबरल आपको मालूम है ना ये जमायमा जिस तरह रहती हैं और मैं फिर कहूंगा कि नहीं, मैं उसकी तो बात ही नहीं हो रही आ, आपका तो, मैं ये रहा हूं, हो तो फिर वो जिस तरह मैं उनकी आपस में नहीं बात कर रहा मैं कह रहा हूँ वो गुजारते हैं ना उनको भी मालूम है कि ये किस तरह के हैं जमायमा बोलती नहीं है क्यों क्योंकि दो बच्चे हैं साथ देखिए मसला ये है कि हमारे घरों में जब भी कोई लोग छोड़ते हैं ना एक दूसरे को जय उसकी वजह होती हैं अच्छा ऐवे नहीं छोड़ता था कोई किसी को तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आ, उनका जो आ, अगर वो इस तरह रहते हैं तो इनका कसूर है मैं ये नहीं कहता और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो भी गलत करते हैं ठीक वो उनका मामला है मैं तो बिल्कुल इस मामले में आ, ऐसा आदमी हूँ कि मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ जो है वो उसको जाने देता हूँ जब एक इंसान करता कुछ और प्रीच कुछ और करता है प्रीच प्रीच कुछ करता है करता कुछ है फिर मैं घुसता हूँ उसके अंदर ठीक है ये मेरा मसला है क्योंकि मुझे सोसाइटी को आगे लेके जाना है और सोसाइटी आगे उस तक जाती है मंजूर जब आप कॉन्ट्रोडिक्शन को रिजॉल्व करते हैं ठीक आप बताते हैं कि यार इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता लेट्स रीजन आ, 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 आउट थिंग्स लेट्स आ, मेक इट मेक पाकिस्तान प्रोग्रेसिव नेशन वगैरह तो आप उस तरफ चलते हैं तो फिर क्या होता है आप इन चीज़ों को साइड लाइन कर देते हैं लेकिन अगर आप फॉल बैक करते हैं उन्हीं चीज़ों पर तो फिर आप सोसाइटी को कहते हैं कि भाई आगे नहीं जाना पीछे जाना क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी मेरा इकतदार इसके ऊपर बेस करता है मैं आपको मिसाल देता हूँ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जब आप कहते हैं ला, ला, ला जी पाकिस्तान का मतलब क्या ला, ला ला लल ला की आप अपनी डेफिनेशन देना शुरू कर देते हैं आप कहते हैं जी ला ला की ये तारीफ़ है और अगर वो ये नहीं है तो फिर वो शर्क है हाँ। तो आपको पता है कि फिर ला ला की मख्तल डेफिनीशन्स की जा सकती हैं और वो मुख्तलफ़ लोग अपने क्लास अपनी सोशल अपब्रिंगिंग अपनी क्लाउड जो पोलिटिकल है उसके हवाले से करेंगे तरीके लबै का लला फ़र्क होगा उसका मीनिंग जमात इस्लामी का फ़र्क होगा जमितमा इस्लाम का फ़र्क होगा तरीके तालबान का फ़र्क होगा आईस का फ़र्क होगा आ, ये जो आपकी और भी आउटफिट्स हैं उनका भी फ़र्क होगा ठीक फिर हमारे यहाँ पे हाफि सईद की एक जमात है उनका भी फ़र्क होगा तो आप अब जिस चीज़ को मौजू बहस बना रहे हैं आप तो उसे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं न लेकिन आप जेन में रखें कि यहाँ पे फिफ्टी परसेंट लिटरेसी रेट है और कहते हो तो ज़्यादा हैं लेकिन इतना भी नहीं होगा उसमें नाजरा कुरान पढ़ना और अलिफ बे पे थोड़ा बहुत मतलब नाम शाम लिख लेना ये आता है उसमें ठीक है ये लिटरेसी नहीं है एक्चुअली तो मेरा ये मामला है कि मैं तमाम पक्ष से मोहब्बत करता हूँ वो लोग भी तरीक लबैक को जो वो वोट करते हैं वो भी जो जमात इस्लामी को करते हैं वो भी जो आ, ये पीपल्स पार्टी को करते हैं वो भी जो मुस्लिम मुसलमून को करते हैं वही लोग जो किसी भी को करते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि आपका जो फ़लसफा है ना वो फिर आप उसको जब प्रीच करते हैं तो फिर आप ऐसे हों भी और फिर आप कहेंगे जी हम तो उधर ही लेके जाएंगे जाएँगे जहाँ हमने लेके जाना है फिर आपसे मुकालमा हो सकता है लेकिन हिपोक्रेट आदमी से डबल फेस्ड इंसानों से वो लोग जो इसकी एक मलगूबा सच और झूठ का बना के राइट और रॉन्ग का बना के बेचते हैं पॉलिटिक्स में और उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है इंसान तजादात को हल करके आगे नहीं जा सकता वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड यू द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ टू रिजॉल्व योर कॉन्ट्रोडिक्शन उसके निकल के आप आगे जाते हैं तो हमारी सोसाइटी सिर्फ कॉन्ट्रडिक रिडन है हमारी सोसाइटी सिर्फ पावर्टी रिडन दोनों सूरतों में है एक हम पोअर economically और एक हम पोअर अब हो रहे हैं कल्चरली और सोशली और ये मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान का इस सोसाइटी के ऊपर एक ऐसा तोहफ़ा है जो मुझे लगता है अगली दो जनरेशन शायद हमें लग जाएँ कि हम इसमें से निकलते निकलते हमें मसला पड़े और आ, मैं समझता हूँ कि जो बदतमीज़ी बदलेहाजी बद तहज़ीबी जो पाकिस्तान में से हो रही है जिस तरह की मुझे लोग बुरा भला कहते हैं तो मैं कई वक्त गुस्से में मुझे भी गुस्सा चढ़ता है तो मैं गाली तो नहीं निकालता लेकिन मैं फिर बड़े सख्त अल्फाज बोलता हूँ क्योंकि मुझे गालियाँ निकाल रहे होते हैं लोग आप किसी की घर की खातन को गालियाँ नहीं निकालें आप उसको कोई जानवर से तशवी ना दें उसके अलावा जो मर्जी कहें आप किसी को ख़बीस कह दें आप किसी को गंदा आदमी कह दें कुछ लेकिन आप जब ये शुरू करते हैं ना काम ये बड़ी बुरी बात है और ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ये दो तोहफे जो है ना एक बद और बदले हाजी जो इमरान खान खुद भी करते रहते हैं हर वक्त उनकी ज़ुबान में अंदर दिन चीज़ है और दूसरा ये जो रिलीजन को यूज़ करना और कल्चर को यूज़ करना और कहना कभी लिबास को मौजू बहस, बहस बनाना ख़वान के कभी कहना जी यहाँ फाशी बड़ी हो रही है पाकिस्तान में उसकी वजह से पाकिस्तान का बेड़ा कर हो रहा है वगैरह वगैरह मुझे लगता है इससे हम एक रिग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं प्रोग्रेसिव की तरफ नहीं जो भाई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बहुत बहुत शुक्रिया आज बड़ी आपने जो है ना वो खुल के बातें की हैं और uh, मैं इस एक्चुअली uh, वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना मैं चाहूंगा वो आप भी पढ़िएगा और मैं भी पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी होनी है कोई बात नहीं, नहीं, नहीं मैं सारों से प्यार करता हूँ <laughs> उनको पता होना चाहिए कि मैं उनका बही खाऊँ मैं उनके लिए अच्छा सोचता हूँ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नाजी जवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तु आपने इनकी सुनी खुल के बोले आज और मुझे पता है मैं जानता हूँ कि जितना आज कैंडिड गुफ्तू इन्होंने यहाँ पे की है मैंने पहले आज तक कम से कम नहीं सुनी थी हमारे पॉडकास्ट के अंदर हमारी यही कोशिश होगी कि लोग जो सोचते हैं दिल से सोचते हैं ना किसी सेंसर का डर ना किसी और परेशानी का डर ना कि आपकी गुफ्तु काटने का डर ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे यहाँ जितने मेहमान आएंगे उन्हें खुल के बोलने की इजाज़त होगी क्योंकि वो मेरे मेहमान हैं बहुत बहुत शुक्रिया